अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? ठीक हैं? वेलकम बैक टू माई चैनल। और सब कैसे हैं? तबीयत ठीक है। आज नहारी बनाने का प्रोग्राम था मेरा, तो ये नदीम सुपर स्टोर है, नदीम मीट शॉप। तो यहाँ पे मैं डिपार्टमेंट है, ये मीट डिपार्टमेंट है, ये कीमा पड़ा हुआ है, ये उसकी प्राइस लिखी हुई है, पर के जी इतने का, 2 kg इतने का। अगर आप ये स्प्रिंग लैंडलेट से लिखा हुआ है, ये आगे वो पीछे बीफ पड़ा हुआ है, ये शोल्डर, ये शोल्डर स्टडी में 10 kg कौन करते हैं, और ये नेक है। इनका बहुत ज़बरदस्त दोष रहता है, यहाँ से पाकिस्तानी सारी ग्रॉसरी ये हम अब निहारी अपनी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम शुरू कर रहे हैं। ये तकरीबन 2-2.5 किलो नलियाँ हैं, और दूसरी ये मतलब हड्डियाँ हैं कुछ, जिनसे हम पहले सबसे पहले जो हमारा निहारी बनाने से पहले है वो स्टू बनाएंगे। ये तकरीबन 2.5 किलो हड्डियाँ, इसमें हम ये पानी ऐड कर देंगे। थोड़ा पानी है इसमें, हम और थोड़ा सा ज़्यादा डालेंगे, इतना पानी डालें कि आपकी ये हड्डियाँ जो हैं वो डिप हो जाएं अच्छी तरह। ये डिप हो गई हैं, और ये 3 अदद मीडियम साइज़ के ओनियन हैं। ये 3 अदद जो हमारे ओनियन थे, ये ऐसे ही साबुत ही आपने ये पानी के अंदर डाल देने हैं, और इसके अंदर कोई चीज़ आपने ऐड नहीं करनी है, और इसको कम अज़ कम आपने 4 से 6 घंटे तक पकाएं, जितना पका सकते हैं। जब इसको बॉईल आ जाए तो आपने इसकी आंच आहिस्ता कर देनी है। बस ये ध्यान रखना कि ये पानी उबलता रहे, मतलब ये ना हो कि बिल्कुल आंच आप आहिस्ता कर दें और वो बिल्कुल ना पके आपकी जो यखनी बना रहे हैं। और दूसरा इसमें आपने मतलब ख्याल रखना है कि पानी को ज़्यादा तेज़ आंच पर भी नहीं रखना, कि एंड तक 4-5 घंटों में सिर्फ इसके अंदर ये जो हमने हड्डियाँ और नलियाँ डाली हैं ये रह जाएँ और यखनी आपकी ख़त्म हो जाए। और पाकिस्तान में तो मैं जब बनाता हूँ तो गोश्त में लैम का ही इस्तेमाल करता हूँ, बकरे का, रान का, लेकिन हड्डियाँ जो लेता हूँ मैं वो बीफ की इस्तेमाल करता हूँ, क्योंकि वहाँ पे बड़ी नलियाँ मिल जाती हैं अच्छी, तो उसमें से अच्छा मतलब वो मिक्सचर निकल आता है, जिससे निहारी बहुत अच्छी बनती है। लेकिन इससे भी इंशाल्लाह बहुत अच्छी बनेगी, तो मिलते हैं फिर थोड़ी देर के बाद। ये यखनी हमारी जो तकरीबन 5 घंटे पकी है ये तैयार हो गई है। ये प्याज जो थे ये मैंने प्याली के अंदर ये निकाल दिए, इसका हम बाद में इस्तेमाल करेंगे। और ये जो बोन्स थी इनको भी मैं अभी सेपरेट कर लूँगा, और साथ ही ये दूसरी पतीली में मैंने ऑयल डाली है। ऑयल हमारा गर्म है, इसको ज़रा अच्छी तरह गर्म कर लें। और ये मेरा तकरीबन 2.5 किलो लैम लेग है, स्प्रिंग की, बहुत अच्छा गोश्त है, देखें माशाल्लाह देखने में बहुत अच्छा लग रहा है। इसको हम इसमें डाल देंगे, ऑयल आपका ज़रा गर्म होना चाहिए अच्छी तरह। ये हमारा गोश्त जो है ये इसको मैं अच्छी तरह फ्राई कर रहा हूँ। इसका जो कलर है काफ़ी हद तक चेंज हो चुका है, ये देखें, पहले इसमें ज़रा रेड था, नज़र आ रहा था आपको, अब ये वाइट हो चुका है, अच्छी तरह भून चुका है। इसको और 1-1.5 मिनट ज़रा भून दें, और साथ ही मैं इसमें अब ये लहसुन अदरक की पेस्ट है ग्राइंड की हुई, 2 बड़े चम्मच जो हैं वो मैं ऐड कर देता हूँ, और इनको हम अच्छी तरह इसमें इस गोश्त में इसको भूनेंगे, इसको ज़रा फ्राई करेंगे अच्छी तरह। ये लहसुन अदरक की जो पेस्ट ऐड की थी वो भी अच्छी तरह भून चुकी है। इसमें जो ये प्याज हमने यखनी के अंदर डाल के उनको गलाया था, यखनी के अंदर ये मैंने अलहदा निकाल लिए थे एक बॉल में, अब वो इसमें इस गोश्त के अंदर ऐड करके इनको हम तकरीबन 3-4 मिनट के लिए, इनको भी ये देखें अच्छी तरह आपने भूना है, ताकि ये प्याज जो है आपके ये मसाला बन जाएगा, इसका ग्रेवी टाइप का मतलब बन जाएगा ये जब आप इसको अच्छी तरह भूनेंगे। तो मैं इसकी भुनाई करता हूँ ज़रा अच्छी तरह 4-5 मिनट के लिए, फिर उसके बाद आपसे मुलाकात होती है। देखिए जो यखनी के अंदर हमारा गोश्त था जिससे हमने यखनी बनाई थी, वो गोश्त बहुत अच्छी तरह, ये देखें थोड़ा थोड़ा गोश्त लगा होता है ये बोन्स के ऊपर,
उसको मैं ये अच्छी तरह निकाल लेता हूँ। और ये जो नलियाँ वगैरह थी वो भी मैंने पहले निकाल ली हैं। ये गोश्त आपने बाद में, ये भी हमने निहारी के अंदर ऐड करना है। ये आपने इसको अच्छी तरह साफ़ करना है। ये देखें बेहतरीन किस्म का ये गोश्त आपका ये भी तैयार हो जाता है साथ साथ। हमारा ये निहारी का गोश्त बेहतरीन भुन चुका है। ये देखें आपको, ये देखें ये ऑयल बिल्कुल लहरा हो चुका है गोश्त के साथ, और बड़ी अच्छी ग्रेवी बन चुकी है और बहुत अच्छी माशाल्लाह इसकी खुशबू आ रही है गोश्त की। बस इसकी भुनाई आपने अच्छी तरह करनी है ताकि गोश्त की हमक वगैरह जो भी होगी वो बहुत कम हो जाएगी, बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी ये करने से। और अब इसमें मैं ऐड करने जा रहा हूँ जो यखनी हमने बनाई थी, वो सारी ये जो एक लैदा बर्तन में थी, ये देखें इसमें भी ये नलियाँ वगैरह नज़र आ रही हैं जो वो हड्डियों में से निकली थी। ये हमने सारी निहारी इसमें ऐड कर, नहारी में ऐड कर दी है ये अपनी। और ये तकरीबन 1.5 से 2 लीटर पानी था हमारा। ये देखिए माशाल्लाह ज़बरदस्त लुक आ गई है इसके ऊपर। तो इसको अब हम रख देंगे, जब ये जोश आएगा पहला फिर आँच हम आहिस्ता कर देंगे ताकि गोश्त हमारा तकरीबन 1-1.5 घंटे में ये गल जाएगा। तो उसके बाद फिर आपसे मुलाकात होती है। ये निहारी हमारी माशाल्लाह तैयार है। ये सारा इस पर जो ऑयल है ऊपर आ चुका है बड़ी अच्छी तरह। इस पर एंड में मैं ये थोड़ा सा, ये देखें थोड़ा सा ही है, ये देसी घी का एक पीस भी शामिल कर दूंगा। इससे ये है, ये देसी घी का फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा। वो ऐसे लगेगा कि ये पूरी निहारी आपने देसी घी में डाली। आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है, लेकिन मैं बस ऐसे थोड़ा सा ये टच देता होता हूँ। तो इसको ज़रा एक आधा मिनट में पकाता हूँ, तो फिर मिलता हूँ थोड़ी देर के बाद। हमने जो बटर डाला था वो भी अच्छी तरह बीच में मिक्स हो गया सारे ये इसमें ऑयल के अंदर। ये अब जो ऊपर तरी आ गई है, मैं ये एक प्याला लिया है, इसके अंदर सारी मैं सेपरेट कर लूँगा, क्योंकि अभी इसके बाद मेरा जो है मैंने इसमें आटा डालना है। आटा डालने से पहले अगर आप तरी सेपरेट नहीं करेंगे इस निहारी में से, तो वो सारा आटा आपका जो तरी है वो उठा लेता है और फिर उस पर जो एक रौनक है वो नहीं रहती निहारी के ऊपर। तो इसको मैं थोड़ा सा ऐसे उंडेल के, तो ये तरी सारी ऐसे सेपरेट कर लूँगा मैं। बीच में भी थोड़ी सी रहने देनी है तरी, आपने बिल्कुल सारी नहीं उतारनी क्योंकि उसका भी फ्लेवर ज़रा। ये हमारा आखिरी निहारी आखिरी मरले में चली गई है। ये थोड़ा सा मैंने ब्राउन आटा लिया फाइन क्वालिटी का, ये पानी है सादा, इसमें ये हम थोड़ा थोड़ा करके ऐड करेंगे। इसको आपने ज़रा पतला रखना है और इसको आपने मेक श्योर ये करना है कि इसमें डलिए या गुठलियाँ वगैरह ना कोई भी हो, क्योंकि आपने ये निहारी के अंदर ऐड करना, वरना वो निहारी के अंदर भी आपके वो सारी गुठलियाँ और डलियाँ जो आ जाएंगी शोरबे के अंदर। तो इसमें हम थोड़ा सा पानी और ऐड करते हैं, इसको अच्छी तरह थोड़ा थोड़ा करके इसमें डालेंगे और ये साथ आपने चम्मच चलाते रहना ताकि आटा गुठलियाँ ना बने और नीचे जाके पतीली के नीचे ना बैठ जाए ये आटा। मैं आटा बहुत कम डालता होता हूँ हसबे ज़रूरत। ये देखें जैसे ही आटा डालना शुरू किया हमने, निहारी का जो शोरबा था वो थिक होता जा रहा है। अब मैंने देखना है कि मुझे कितनी थिक चाहिए। बाज़ार में तो बहुत ज़्यादा थिक की होती है, उन्होंने बाज़ लोगों ने तो वो हलीम भी इतनी थिक की होती है, तो मैं ये बस इतनी ये थिक करूँगा क्योंकि मैंने ये घर के लिए बनाई है। ये देखें ये ज़बरदस्त बन गई है, बस इतना इसका ये शोरबा मैं थिक करता होता हूँ, इससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि बच्चे भी इतना ही थिक खाते हैं, इससे ज़्यादा नहीं खाते। तो अभी इसको मैं तकरीबन 5 मिनट के लिए दम पे रख दूँगा हल्की आंच पे। और सॉरी, ये एक और चीज़ जो बड़ी इम्पोर्टेंट थी हमारी, ये जो हड्डियाँ जब हमने सूप बनाया था उसके ऊपर से ये सारा गोश्त उतरा था, ये गोश्त भी मैं इस निहारी में ही ऐड करने जा रहा हूँ। इसके साथ अब और ज़्यादा आपकी जो निहारी है उसका टेस्ट फ्लेवर बहुत ज़बरदस्त निकल आएगा। ये इसको भी अच्छी तरह मिक्स कर दें। चलें अब इसको मैं 5 मिनट के लिए कवर कर देता हूँ, तो उसके बाद फिर आपसे मिलता हूँ। ये महान बेकरी है अजीज़ परचेज़ के नाम से। तो ये
पे मैं अपनी तैयारी जो तैयार कर रहे हैं घर उसके लिए नान लेने आए थे। इनके नान बहुत ज़बरदस्त होते हैं और इनके पास ग्रॉसरी भी है, ईरानी बिस्किट बेकरी बहुत अच्छी होती है। तो आए थे लेते थे जी। ये माशाल्लाह हमारी निहारी तैयार है, ये थोड़ा सा ऑयल इसके ऊपर भी आ गया और ये बिल्कुल तैयार है खाने के लिए। तो हम भी बस अब रेडी हैं, बच्चे भी दूसरे कमरे में इंतज़ार कर रहे हैं, बहुत भूख लगी है सबको और मुझे भी। तो अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। इसको आपने ज़रूर ट्राई करना है इस रेसिपी को, और बनाने के बाद आपने कमेंट बॉक्स में बताना भी है। ये ग्रेवी है जो मतलब ये रोगन था, ये हम ऊपर मतलब सर्व करने के बाद ऊपर थोड़ा थोड़ा प्लेट्स में अपनी अपनी में जितना किसी को ज़रूरत होगा डाल लेंगे। अपना बहुत ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।